हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बुक, वो हिंदी बुक जो बच्चों को LKG में हिंदी सिखाने के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक इसे देखें, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो बच्चा नर्सरी में सीख के आया होता है स्वर वर्ण, ये बच्चों को रिवीजन के तौर पे, पुनरावृत्ति के तौर पे दे दिया जाता है, और उससे जुड़ी हुई यहाँ पर एक्टिविटी भी बच्चों को दी जाती है। उससे जुड़ी हुई यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है अंग ए ई, बच्चा पढ़ेगा अंग से अंगूर, अंग को घेरेगा, यहाँ पर गोला लगाएगा। इस तरह से बच्चा इन एक्टिविटीज़ को पूरा करेगा। और उसके बाद जब इन एक्टिविटी को 3-4 एक्टिविटी दी हुई हैं स्वर वर्ण से रिलेटेड, जो कि बच्चा स्वर और व्यंजन पढ़ के आया होता है नर्सरी में, उसकी रिवीजन दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद व्यंजन वर्ण बच्चों के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, और उनसे जुड़ी हुई भी एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद बच्चों को दो वर्ण के बिना मात्रा वाले शब्द लिखना शुरू करवा दिया जाता है LKG में। देखिए, यहाँ लिखने के लिए बच्चों को नहीं दिया गया, एक आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है, पहचान करने के लिए दिया गया है। नौ लो नल या बल, क्या होगा बच्चा इसको देखेगा और पहचान करेगा और बोलेगा नल। नल पे बच्चा यहाँ सही का निशान लगाएगा। इस तरह से बच्चा इस एक्टिविटी को पूरा करेगा। और इसके बाद बच्चों को यहाँ पर ब जोर स बराबर बस, यहाँ हम बच्चे को बार बार बोलेंगे कि दो वर्णों को मिला करके एक शब्द बना है, तो बच्चा इनको बोलेगा ब स बस। बार बार उसे बोलने के लिए कहेंगे, ताकि बोलने से क्या होगा कि वह उच्चारित करना सीखेगा। ब को अलग बोलना जान रहा है और स को अलग बोलना जान रहा है, और फिर इसी ब और स को वो एक साथ बोलना जानेगा। ब स बस, ब स बस, बार बार उससे हम ये प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चा दो वर्णों के बिना मात्रा वाले शब्दों को बोलने की आदत डालेगा, बोलना सीखेगा। फ जोर ल फल, इस तरह से बच्चा बार बार बोलकर इसकी प्रैक्टिस करेगा। और जब वो प्रैक्टिस कर लेगा, उसके बाद यहाँ पर हम उसको दो वर्णों के बिना मात्रा वाले शब्द बार बार पढ़वाएंगे। अगर आप हर रोज़ 5 मिनट या 10 मिनट बच्चों से पढ़वाते हैं, तो आप देखेंगे कि हर रोज़ बच्चा उन वर्णों को ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ बोलने लगा है। हर रोज़ ये फ्रिक्वेंसी जो है उसकी बढ़ती जाएगी। उसके बाद यहाँ पे वर्णों को मिलाकर पढ़ने के लिए हम बच्चों को बोलेंगे, जैसे ब जोर स बस। यहाँ पर फिर वही बात है कि बच्चों को हम बोलेंगे कि हमने दो वर्णों को मिलाया, किन को मिलाया, ब और स, ब स, अलग अलग बोलकर फिर इसको एक साथ बोलना है बस। इस तरह से बच्चा इनकी बोलने की प्रैक्टिस करेगा, उच्चारित करने की प्रैक्टिस करेगा। और जब बच्चा ये सीख जाता है, तो उसके बाद उन्हीं दो वर्णों के बिना मात्रा वाले छोटे छोटे शब्दों से वाक्य बनाकर बच्चों को हम पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यश अब घर चल, ये सभी जो हैं इस पाठ में सभी दो वर्णों के ही शब्द हैं, जो बच्चे को एक वाक्य के रूप में दिए गए हैं। जब बच्चा ये सीख लेता है, उसके बाद दो वर्णों के बिना मात्रा वाले शब्दों से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ बच्चों को हम यहाँ पर करवाते हैं। और ये करने के बाद हम बच्चों को 3 वर्णों के शब्द सिखाना शुरू करते हैं, और ये भी बस उसी सीक्वेंस में। पहले हम बोलेंगे, यहाँ पे हम उसको बार बार पढ़कर उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इनको कुछ शब्द याद भी करवाएंगे। बार बार बोलने से बच्चों को अपने आप याद हो जाएगा। और फिर यहाँ जोर करके स जोर ह जोर द शहद एक साथ बोलना सिखाएंगे, और ये प्रैक्टिस हम करवा लेंगे। और जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों की, उसके बाद हम 2 वर्ण के और 3 वर्ण के बिना मात्रा वाले शब्दों को लेते हुए वाक्य बनाएंगे। अमन इधर आ, छत पर मत टहल, कलश मत पटक। देखिए, 3 वर्ण वाले और 2 वर्ण वाले सभी यहाँ पर शब्द हैं, जो बच्चों को एक पाठ के माध्यम से बताया गया है। और उसकी फिर 3 वर्णों वाले की एक्सरसाइज दी हुई है, और उसके बाद 4 वर्ण जो है, ये 4 वर्ण हम बच्चों से पढ़वाएंगे। सेम उसी तरह से इसको एक साथ बोलना सिखाएंगे, और फिर इनको वाक्यों में, अब यहाँ पर 2 वर्ण वाले 3 वर्ण वाले और 4 वर्ण वाले, ये तीनों तरह के अमात्रिक शब्दों को यहाँ पे प्रयोग किया गया है, यूज़ किया गया, और उससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज दी हुई है, और लास्ट में ये फंटाइन दिया हुआ है। आई होप कि आपको ये बुक बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।